हेलो वेलकम क्लास। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं उसकी क्विक ब्रीफ देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग थियोडोलाइट सर्वे डिस्कस कर रहे हैं। थियोडोलाइट सर्वे के सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखा कि क्यों हम लोग थियोडोलाइट सर्वेइंग स्टार्ट करते हैं या क्यों हम लोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े जो हमारे थियोडोलाइट से थे। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ थियोडोलाइट पढ़ा कि थियोडोलाइट का कैसे क्लासिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ थियोडोलाइट देखा कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं आपके थियोडोलाइट में। फिर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जैसे आपका फेस लेफ्ट फेस राइट, इन सब चीज़ों के बारे में देखा। फिर हम लोग हॉरिजेंटल एंगल के मेजरमेंट में देखे, उसमें तीन मेथड्स थे, ठीक है। फिर हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स भी पढ़ लिए, पीछे एडजस्टमेंट पढ़ा फिर हॉरिजेंटल एंगल पढ़ा, ठीक है। और उसके मेजरमेंट भी देख लिए कि कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जैसे आपका तीन मेथड्स था उसका, जनरल मेथड, रिपीटेशन मेथड और रिट्रेशन मेथड, ठीक है। तीनों मेथड में कैसे हम लोग करते हैं, इन चीज़ों को भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने पर्टिकुलर पढ़ ली हैं। अब हम लोग का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल्स, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वर्टिकल एंगल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल एंगल या फिर वर्टिकल एंगल क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग प्लेन के बारे में पढ़ चुके होंगे, जो हम लोग पहले फर्स्ट ईयर में हम लोगों लोग ड्राइंग पढ़ते हैं उसमें होगा आपका प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन हॉरिजेंटल प्लेन, ठीक है। उसी तरह से वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। सिमिलरली वर्टिकल एंगल फॉर्म होता है और हॉरिजेंटल एंगल भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो वर्टिकल एंगल क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल एंगल इज एन एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन, अ वर्टिकल एंगल इज एन एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजेंटल, मतलब वह एंगल या वो एंगल जो इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच में बनता है, ठीक है। द एंगल विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजेंटल लाइन इज नोन एज वर्टिकल एंगल, ओके। इट मे बी एन एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन according as object is above or below the horizontal plane, ठीक है। अब वर्टिकल एंगल वो एंगल है जो इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच में बने, पहली चीज। दूसरी क्या है, जो एंगल और वर्टिकल एंगल है वो एलिवेशन में भी फॉर्म होता है और डिप्रेशन में भी फॉर्म होता है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है। कैसे होगा, अगर ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे है तो वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे होंगे मैथमेटिक्स में, तो वहां पे आपको चीजें समझ में आ रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। जैसे हम लोग फिगर से समझते हैं, यहाँ पे आप देखें, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये कोई टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ये कोई टावर है और यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है। तो अगर हम जहाँ खड़े हैं वहां से हम लोग अगर टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल, ये जो थीटा है, ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर हम लोग टावर पे खड़े हैं और ग्राउंड को देख रहे हैं, टावर पे खड़े होके ग्राउंड को देखेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, सपोज अल्फा, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो समझ में आ गया, एंगल एलिवेशन क्या हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ। तो वही चीज यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ जो वर्टिकल एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो सकता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, अगर ऑब्जेक्ट आपका हॉरिजेंटल प्लेन के ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, हॉरिजेंटल प्लेन के नीचे है तो एंगल ऑफ
डिप्रेशन बनेगा। जैसे एग्जांपल में मैंने बताया कि कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, कैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग वर्टिकल एंगल का एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये देखिए एक हॉरिजेंटल लाइन है और हम लोग ओ पॉइंट से एक स्टेशन ए और एक स्टेशन बी दोनों को देखते हैं या दोनों के बीच में जो लाइन फॉर्म होती है, ये जो लाइन है या ये जो एंगल है, ये एंगल क्या कहलाएगा, हमारा वर्टिकल एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर भी ऑब्जेक्ट है, हॉरिजेंटल लाइन के नीचे भी ऑब्जेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या कहला रहा है, हमारा वर्टिकल एंगल कह रहा है। सिमिलरली सेकेंड केस में आते हैं या सेकेंड फिगर में देखते हैं कि हॉरिजेंटल एंगल, हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर दोनों लाइन है और ये दो एंगल जो बना रहे हैं वो क्या कहला रहे हैं, हमारे वर्टिकल एंगल, ठीक है। सिमिलरली डिप्रेशन जो फिगर सी में दिख रहा है वो डिप्रेशन है, तो इस तरह के एंगल्स को हम लोग वर्टिकल एंगल कहेंगे। वर्टिकल एंगल आप लोग क्लियर हो गया, वर्टिकल एंगल वो एंगल होता है जो इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल एंगल के बीच में बनता है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट का जो प्लेस होगा उसके अकॉर्डिंग वो चीजें होंगी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, वर्टिकल एंगल मेजर करने के कुछ स्टेप्स हैं, उसको हम लोग वन बाय वन फॉलो करते जाते हैं और हम लोग फिर उसके बाद वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट देख सीख सकते हैं, ठीक है। तो टू मेजर द वर्टिकल एंगल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए एट स्टेशन ओ, कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और स्टेशन ओ से हमको उस पर्टिकुलर का वर्टिकल एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज सेट अप द थियोडोलाइट एट स्टेशन पॉइंट ओ एंड लेवल इट एक्यूरेटली विथ रेफरेंस टू द एल्टीट्यूड बबल, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, थियोडोलाइट को सबसे पहले क्या करेंगे, थियोडोलाइट को सेटअप करेंगे ओ स्टेशन पे जहां से हमको एंगल मेजर करना है और उसकी प्राइमरी या टेम्पररी एडजस्टमेंट करेंगे, सेटिंग अप हो गया, सेंटरिंग करेंगे हो गया, नेक्स्ट लेवलिंग करेंगे और फिर पैरेलेक्स एलिमिनेशन करेंगे। ये इतनी टेम्पररी एडजस्टमेंट हम लोग फर्स्ट स्टेप में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका, सेट द जीरो ऑफ वर्टिकल वर्नियर एग्जैक्टली टू जीरो ऑफ द वर्टिकल सर्कल क्लैंप एंड टेंजेंट स्क्रू, ठीक है। अब वर्टिकल वर्नियर को जो होगा उसको हम लोग एग्जैक्टली जीरो पे पॉइंट आउट करेंगे, मतलब पॉइंट पे फिक्स करेंगे, ठीक है। जो वर्टिकल वर्नियर है उसके जीरो को वर्टिकल क्लैंप, वर्टिकल सर्कल क्लैंप के जीरो से हम लोग क्या करेंगे, मूव करके उसको जीरो पे फिक्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज ब्रिंग द बबल ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल इन द सेंट्रल पोजिशन बाई यूजिंग क्लिप स्क्रू। अब इसके दौरान क्या होगा कि हमारा बबल अगर हल्का फुल्का हिल जाता है या मूव होने लगता है तो हम लोग क्या करेंगे, बबल को सेंटर पोजिशन में लाएंगे यूजिंग क्लिप स्क्रू। क्लिप स्क्रू एक आपका थोड़ा लाइट में होता है, उसकी हेल्प से हम उसको सेंटर में लाएंगे, ठीक है। द लाइन ऑफ साइट इज दस मेड हॉरिजेंटल एंड वर्नियर स्टिल रीड जीरो, ठीक है। अब जो हमारी लाइन ऑफ साइट है, ठीक है, जो हॉरिजेंटल और वर्नियर, हॉरिजेंटल लाइन और वर्नियर के बीच में बन रही है, जो रीडिंग होगी वो अभी भी जीरो होनी चाहिए। मतलब जब हम बबल को सेट कर रहे हैं तो बबल के सेटिंग के दौरान कोई भी हमारी जो वर्नियर की रीडिंग है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो मतलब स्टिल जीरो शो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लूजन द वर्टिकल सर्किल क्लैंप स्क्रू एंड डायरेक्ट द टेलीस्कोप टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल सर्किल के क्लैंप को लूज करेंगे और जो टेलीस्कोप है उसको ए के डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब ए जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में हम थियोडोलाइट के टेलीस्कोप को ले जाएंगे, ठीक है। एंड साइट इट एग्जैक्टली बाई यूजिंग वर्टिकल सर्किल टेंजेंट स्क्रू, और वर्टिकल सर्किल टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से हम उसको डायरेक्टली ए के साइड में फिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये चार स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप क्या था हमारा, थियोडोलाइट स्टेशन को ओ पे ले जाएंगे और टेम्पररी एडजस्टमेंट करेंगे। टेम्पररी एडजस्टमेंट क्या क्या थे,
सेटिंग अप, सेंटरिंग, लेवलिंग, पैरेलेक्स एलिमिनेशन, ये चारों स्टेप्स हम लोग करेंगे तो हमारा वो क्या होगा, परफेक्टली लेवल होके यूज के लिए हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है कि जो वर्टिकल वर्नियर होगा उसको हम लोग जीरो पे सेट करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या कर रहा है, जो बबल होगा जब जीरो हम लोग सेट कर रहे हैं उसके दौरान अगर बबल में कुछ मूवमेंट आ जा रही है तो हम उसको क्या करेंगे, फिर से सेंट्रल पोजीशन पे लाएंगे यूजिंग क्लिप स्क्रू। क्लिप स्क्रू की हेल्प से उसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटर पोजीशन पे लाएंगे। अब सेंटर पोजीशन में आने के बाद भी जो हमारा वर्नियर है वो अभी भी जीरो रीडिंग को शो करना चाहिए, जीरो रीडिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है, आप क्या करोगे, वर्टिकल सर्कल के क्लैंप को लूज करोगे और ए के डायरेक्शन में टेलीस्कोप को मूव करोगे, ए के डायरेक्शन में टेलीस्कोप को मूव करके और उसके बाद उसको हम लोग एग्जैक्टली देखेंगे कि मतलब ए से इधर उधर ना हो, डायरेक्टली ए पे हो और वहां पे हम लोग वर्टिकल सर्कल टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से उसको हम लोग ए पे साइट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो स्टेप है वो क्या है, रीड बोथ वर्नियर ऑन द वर्टिकल सर्किल, द मीन ऑफ द टू वर्नियर रीडिंग गिव्स द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। अब जो दोनों वर्नियर्स हैं हमारे वर्टिकल सर्किल पे उनको हम लोग रीड करेंगे, उनकी वैल्यू को डिनोट करेंगे और दोनों वैल्यूज का क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, ठीक है। वो एवरेज वैल्यू क्या करेगी हमारी, वो रिक्वायर्ड एंगल के बारे में बताएगी कि वो कितना रिक्वायर्ड एंगल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है चेंज द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड रिपीट द प्रोसेस, द मीन ऑफ द टू वर्नियर रीडिंग गिव्स द सेकेंड वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का जिस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग एंगल मेजर कर रहे थे उसको फेस को चेंज करेंगे, फेस चेंज करने के बाद हम लोग फिर वैल्यूज निकालेंगे सिमिलरली जो हम लोग 1 से 4 किए हैं, उसके बाद फिर हम लोग उन दो वैल्यूज का क्या करेंगे, रीडिंग की मीन निकालेंगे और वो क्या करेगी, सेकेंड वैल्यू देगी, ठीक है। तो फिफ्थ स्टेप में हमको एक वैल्यू मिली, सेकेंड सिक्स स्टेप में हमको दूसरी वैल्यू मिली। नेक्स्ट स्टेप, द एवरेज ऑफ द टू वैल्यूज ऑफ द एंगल दस ऑब्टेन्ड इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एंगल फ्री फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो हमको वैल्यू मिली फिफ्थ और सिक्स रीडिंग्स में, फिफ्थ और सिक्स स्टेप में, उनका क्या करेंगे, हम फिर से एवरेज ले लेंगे और ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर से फ्री होगी, मतलब ये करेक्ट रीडिंग होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे वर्टिकल एंगल का, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, थेडोलाइट को ओ स्टेशन पे ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल को जीरो को वर्टिकल जो वर्टिकल सर्कल वर्नियर है उसको हम लोग जीरो पुट करेंगे, फिर बबल को सेंट्रल पोजीशन में लाएंगे, उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, वर्टिकल सर्कल क्लैंप को लूज करेंगे और डायरेक्ट करेंगे टेलीस्कोप को ए के पास, उसके बाद फिर क्या करेंगे, रीडिंग हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग नोट करेंगे दोनों वर्नियर पे और फिर क्या करेंगे, उन दोनों रीडिंग्स का मीन निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा सपोज फेस लेफ्ट से हो गया, अब सेम प्रोसेस हम लोग फेस राइट से करेंगे, फिर वो वैल्यू निकालेंगे, दोनों जो फेस लेफ्ट और फेस राइट की वैल्यूज हैं उनका फिर से एवरेज ले लेंगे, वो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, रिक्वायर्ड वैल्यू होगी एंगल की, ठीक है। और वो जो एंगल होगा वो फ्री फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर आ रहा होगा उससे वो फ्री होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल मेजरमेंट था ये था हमारा ओ और किसी एक ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब एक स्टेशन था और एक ऑब्जेक्ट था, उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा था उसके बारे में हम लोगों ने सीखा, जैसा फिगर में था। सेकेंड केस अगर देखें तो एंगल बीटा जो है ये हमको मेजर करना था, ये इसका हम लोगों ने प्रोसेस जान लिया कि कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, फॉर मेजरिंग वर्टिकल एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स। अब हमको क्या करना है, किसी दो पॉइंट्स के बीच का एंगल हमको फाइंड करना है, तो उसका कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। किसी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमको वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे हम उसको मेजर करेंगे और उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो फॉर मेजरिंग वर्टिकल एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो साइट ए एज बिफोर एंड टेक द मीन ऑफ द टू वर्नियर रीडिंग एट द वर्टिकल सर्किल, लेट इट बी अल्फा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए के तरफ ले जाएंगे और जिस तरीके से हम लोग ने पिछले स्टेप में किया है सारी रीडिंग निकालेंगे और उसको सपोज हम लोग अल्फा मान लिए, ठीक है। नेक्स्ट
सिमिलरली साइड बी, उसी तरीके से हम लोग बी एंगल को भी निकालेंगे. एंड टेक द मीन ऑफ टू वर्नियर एट द वर्टिकल सर्किल, लेट इट बी बीटा. ठीक है, अब इसको हम लोग क्या किए, बीटा मान लिए. द सम और डिफरेंस ऑफ दीज डिंग्स दीज वैल्यू रीडिंग्स, इट इज रीडिंग्स, रीडिंग्स विल गिव द वैल्यू ऑफ वर्टिकल एंगल बिटवीन ए एंड बी. ठीक है, अब जो रीडिंग्स आई अल्फा और बीटा की, इनकी हेल्प से ठीक है हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि एग्जैक्ट कौन सा एंगल बन रहा है, उसके फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स निकालेंगे. तो वो हमारा डिजायर्ड एंगल होगा जैसा. ठीक है, अकॉर्डिंग एज वन ऑफ द पॉइंट इज अबव और बिलो हॉरिजॉन्टल प्लेन और बोथ पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, अब जब अल्फा और बीटा हम लोग निकाल लेंगे, तो अब एंगल निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि वो एंगल कैसे हैं. ठीक है, जैसे अगर फिगर ए में देखिए, हम लोगों ने क्या किया, अल्फा निकाला बीटा निकाला. अब क्या है, एंगल ए ओ बी निकालने के लिए क्या करना हमको, अल्फा प्लस बीटा करना है. तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे. लेकिन सेकेंड केस में आते हैं, सेकेंड केस में हम लोगों ने अल्फा निकाला. ठीक है, ये अल्फा हो गया, ए का एंगल अल्फा हो गया, बी का बीटा हो गया. लेकिन अगर हमको ये एंगल फाइंड करना है, तो ये एंगल क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा होगा. ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग ये एंगल फाइंड कर लेंगे. ठीक है, तो ये हो गया मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल्स बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट्स के बीच में वर्टिकल एंगल्स हम लोग कैसे निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए का एंगल निकालेंगे, फिर बी का एंगल निकालेंगे, फिर दोनों एंगल्स को पोजिशन के हिसाब से सम करेंगे या फिर डिफरेंस करेंगे. क्लियर है. नेक्स्ट जो हमारा है, मेजरमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल्स. ठीक है, डिफ्लेक्शन एंगल्स हम लोग कैसे मेजर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट. ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि प्रोलोंगेशन लाइन और सर्वे, दैट इज सर्वे नॉट सर्वे, एस यू आर सर्वे. ठीक है, सर्वे लाइन के बीच में हम लोग बेसिकली निकालते हैं. तो अब निकालने का प्रोसेस क्या है कि हम लोग सबसे पहले एंगल मेजरमेंट करते हैं, बियर मेजर करते हैं, और बियरिंग के मेजरमेंट को ही लेके हम लोग क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल फाइंड करते हैं. तो ये जो मेथड होता है बेसिकली ओपन ट्रैवर्स के लिए होता है. ठीक है, बेसिकली किसके लिए होता है, ओपन ट्रैवर्सिंग के लिए. अब ओपन ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ये हम लोगों ने कंपास में पढ़ा था, मतलब वो फील्ड या वो सर्वे जो कभी कहीं क्लोज ना हो, इस तरह के ट्रैवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन ट्रैवर्स बोलते हैं. और वो ट्रैवर्स जो एक जगह आके क्लोज हो जाता है, वो क्लोज ट्रैवर्स होता है. ठीक है, तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ओपन ट्रैवर्स एंड इज मोस्टली एम्प्लॉयड इन द सर्वे ऑफ रिवर कोस्ट रोड कोस्ट लाइन रोड रेलवे कैनाल्स. ठीक है, तो इस तरह के मेथड्स को हम लोग या एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग कंपास या फिर आप थियोडोलाइट का हेल्प लेते हैं, जिससे हम लोग वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल एंगल निकालते हैं. और बेसिकली ये आपका ओपन ट्रैवर्स के लिए यूज होता है, और ये आपका रिवर रोड या रेलवे कैनाल्स के सर्वे में यूज होता है. ठीक है, नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट एंगल मेथड. डायरेक्ट एंगल मेथड का मेजरमेंट कैसे करते हैं. ठीक है, तो ये भी हम लोग बेसिकली आपका जो इंक्लूडेड एंगल था, इंक्लूडेड एंगल जो हम लोग कंपास में पढ़े थे, उसी की तरह है. ठीक है, तो दिस मेथड इज सिमिलर टू द मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल एक्सप्लेन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन. ठीक है, जैसा हम लोग पिछले सेक्शंस में पढ़ चुके हैं, उसी तरह की ये मेथड है. हाउएवर इन दिस मेथड डायरेक्ट एंगल और एंगल टू द राइट आर मेजर्ड. ठीक है, राइट एंगल, डायरेक्ट एंगल या फिर जो हमारे राइट साइड में एंगल्स पढ़ते जाएंगे, उसको हम लोग मेजर करेंगे. दिस मेथड इज ऑल्सो यूज इन केस ऑफ ओपन ट्रैवर्स. ओपन ट्रैवर्स के केस में ये मेथड यूज होता है. क्लियर है, तो डिफ्लेक्शन एंगल और डायरेक्ट एंगल मेथड आप लोग को समझ आ गया. नेक्स्ट है रीडिंग मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन. ठीक है, मैग्नेटिक बियरिंग किसी लाइन की हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको देखते हैं. ठीक है, ठीक है, तो टू फाइंड अ बियरिंग ऑफ अ लाइन, टू फाइंड अ बियरिंग ऑफ अ लाइन एज शोइंग फिगर, जैसे फिगर में दिया है,
किसी लाइन का अगर हमको बियरिंग फाइंड करना है तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सेटअप द इंस्ट्रूमेंट ओवर ए एंड लेवल इट एक्यूरेटली। हम इंस्ट्रूमेंट को कहाँ सेट करेंगे, ए पोजीशन पे सेट करेंगे और उसकी टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करेंगे। उसकी क्या करेंगे, टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करेंगे। फिर वही चीज, टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट क्या होता है, टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट आपका होता है सेटिंग अप, सेंटरिंग, लेवलिंग, एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स। क्लियर, ये इतनी चीजें करेंगे, उसके बाद हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा यूज के लिए तैयार होगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज सेट द वर्नियर टू द जीरो ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, जो वर्नियर होगा उसको हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल का जो वर्नियर होगा उसको हम लोग जीरो पे सेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिलीज द मैग्नेटिक निडिल एंड लूजन द लोअर क्लैंप। ठीक है, मैग्नेटिक निडिल को हम लोग क्या करेंगे, रिलीज करेंगे और जो लोअर क्लैंप होगा उसको लूज कर देंगे। ठीक है, लोअर क्लैंप जो होगा उसको लूज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज रोटेट द इंस्ट्रूमेंट टिल द मैग्नेटिक निडिल पॉइंट्स टू नॉर्थ। अब हम लोग मैग्नेटिक निडिल को तब तक रोटेट करते रहेंगे जब तक वो नॉर्थ पोजीशन की तरफ ना शो करे या नॉर्थ पोजीशन ना शो करे। ठीक है, तब तक हम लोग उसको रोटेट करते रहेंगे। नाउ क्लैंप द लोअर क्लैंप विद द हेल्प ऑफ लोअर टेंजेंट स्क्रू। ठीक है, लोअर टेंजेंट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लोअर क्लैंप को फिक्स कर देंगे। ठीक है, ब्रिंग द निडिल एग्जैक्टली अगेंस्ट द मार्क इन ऑर्डर टू ब्रिंग इट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, निडिल को एग्जैक्टली उस मार्क पे ले जाएंगे जिस मार्क पे हमारा पहले क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन था। ठीक है, एट दिस स्टेज द लाइन ऑफ साइट विल ऑल्सो बी इन मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, मैग्नेटिक में जो लाइन ऑफ साइट होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन के केस में होगा। ठीक है, तो चार स्टेप्स क्या क्या थे अभी इनिशियली देखते हैं। पहला क्या था, इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे, उसकी टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्किल के वर्नियर को जीरो पे पुट करेंगे, मैग्नेटिक निडिल को रिलीज करेंगे मतलब ढीला छोड़ेंगे और लोअर क्लैंप को भी ढीला छोड़ देंगे। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या था कि इंस्ट्रूमेंट को तब तक रोटेट करेंगे जब तक उसकी मैग्नेटिक निडिल नॉर्थ पोजिशन को नहीं शो करेगी, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा नॉर्थ है उस पोजिशन में हम अपने इंस्ट्रूमेंट को लाएंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को लाने के बाद लोअर क्लैंप को हम लोग टाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोअर टेंजेंट स्क्रू। जो लोअर टेंजेंट स्क्रू होता है उसकी हेल्प से क्या करेंगे, हम लोग लोअर क्लैंप को टाइट करेंगे। ठीक है, ब्रिंग द निडिल, अब निडिल को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन के पोजीशन में लाएंगे। ठीक है, और इस समय जो हमारा लाइन ऑफ साइट होगा वो भी मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में होगा। तो ये इनिशियल चार स्टेप्स थे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, नेक्स्ट स्टेप इज नाउ लूज द अपर क्लैंप एंड पॉइंट द टेलीस्कोप टुवर्ड्स बी। अब हम क्या करेंगे, अपर क्लैंप को लूज करेंगे और पॉइंट जो टेलीस्कोप होगा उसको बी के डायरेक्शन में ले जाएंगे विद द हेल्प ऑफ अपर टेंजेंट स्क्रू बाइसेक्ट बी एक्यूरेटली एंड रीड बोथ द वर्नियर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपर टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से बी पॉइंट को बाइसेक्ट करके, बाइसेक्ट का मतलब अच्छे से देखेंगे, एक्यूरेटली देखेंगे और जो दोनों वर्नियर्स की रीडिंग होगी उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, और उन दोनों वर्नियर्स की रीडिंग का जो मीन वैल्यू होगा वो क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक बियरिंग होगा उस पर्टिकुलर लाइन का। ठीक है, द मीन ऑफ द टू रीडिंग विल बी रिकॉर्डेड एज द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द लाइन। ठीक है, और जो रीडिंग्स हमको दो रीडिंग्स मिलेंगी उन दोनों का जब एवरेज लेंगे तो वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिक बियरिंग, पर्टिकुलर उस लाइन का मैग्नेटिक बियरिंग शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज चेंज द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द लाइन एंड रिपीट द मीन ऑफ द टू वैल्यूज गिव द करेक्ट बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फेस को चेंज करेंगे, फिर सारे प्रोसेस को रिपीट करेंगे और उसके बाद जो दोनों रीडिंग्स आएंगी, एक फेस लेफ्ट और फेस राइट की, दोनों का एवरेज निकालेंगे और वो एवरेज जो होगा करेक्ट रीडिंग बताएगा ए बी की। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था मैग्नेटिक बियरिंग का। एक बार समराइज करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस पोजीशन पे जाएंगे जहाँ पे से हमको बियरिंग निकालनी है और उसकी अच्छे से टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल के वर्नियर को जीरो पे पुट करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या करेंगे, मैग्नेटिक निडिल और लोअर क्लैंप को लूज करेंगे, लूज करने के बाद इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करेंगे जब तक रोटेट करेंगे कि मैग्नेटिक निडिल जो है
वो नॉर्थ डायरेक्शन नो शो करने लगे, जो मैग्नेटिक नीडल है वो नॉर्थ डायरेक्शन शो करने लगे। उसके बाद क्या करेंगे, लोअर क्लैंप को टाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोअर टेंजेंट स्क्रू। लोअर टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से लोअर क्लैंप को टाइट करेंगे और निडिल को उस पोजीशन पे लाएंगे जिस पोजीशन में हमको क्या करना है, रीडिंग निकालनी है, ठीक है, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में लाएंगे। और उस समय जो आपका लाइन ऑफ साइट होगा वो भी मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में होगा। उसके बाद क्या करेंगे, अपर क्लैंप, जो अपर क्लैंप होगा थर्ड लाइट का, उसको लूज करेंगे और बी के डायरेक्शन में टेलीस्कोप को मूव करेंगे, जो टेलीस्कोप होगा उसको बी के डायरेक्शन में ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ अपर टेंजेंट स्क्रू, अपर टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बी को जो बी पॉइंट है या बी ऑब्जेक्ट जो है उसको अच्छे से देखेंगे और दोनों वर्नियर्स की रीडिंग को नोट करेंगे। दोनों वर्नियर्स की रीडिंग को नोट करने के बाद दोनों रीडिंग्स का एवरेज निकालेंगे, वो जो एवरेज आएगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ लाइन होगा, ठीक है। ये हमारा एक फेस से था, एक फेस या फेस लेफ्ट या फेस राइट। उसके बाद फिर हम लोग फेस चेंज करेंगे, इंस्ट्रूमेंट के फेस को चेंज करेंगे और फिर स्टेप टू से लेके स्टेप से फिफ्थ तक की सारी चीज़ों को फिर से रिपीट करेंगे। उसके बाद जो दो वैल्यूज मिलेंगी हमारी फेस लेफ्ट और फेस राइट की, इन दोनों वैल्यूज का हम लोग एवरेज लेंगे, तो ये जो एवरेज आएगा या ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, करेक्ट बियरिंग शो करेगी ए बी लाइन की, क्लियर है। इस तरीके से हम लोग थर्ड लाइट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग भी निकाल सकते हैं, जो लोग हम लोग कंपास की हेल्प से निकालते थे। यहाँ पे कंपास सर्वेइंग का भी वर्क हो रहा है साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोलॉन्गिंग अ स्ट्रेट लाइन। प्रोलॉन्गिंग अ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ कि स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड करना। प्रोलॉन्गिंग का मतलब किसी भी लाइन को एक्सटेंड करना उस पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो प्रोलॉन्गिंग अ स्ट्रेट लाइन का मतलब वही हुआ कि किसी भी एक लाइन को एक्सटेंड करना। जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे ए बी सी डी लाइन थी, डी पॉइंट एंड था, डी से हम लोग क्या किए, जेड लेग तक उसको एक्सटेंड किया, तो ये कहलाता है प्रोलॉन्गिंग, ठीक है। देयर आर बेसिकली टू मेथड्स, ठीक है, देयर आर बेसिकली टू मेथड्स ऑफ प्रोलॉन्गिंग अ गिवन लाइन, ठीक है। दो मेथड होते हैं, एक फोरसाइट मेथड होता है और एक होता है बैक साइड मेथड, ठीक है। एक होता है फोरसाइट मेथड, एक होता है बैक साइड मेथड, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारे मेथड्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो द फर्स्ट मेथड इज फोरसाइट मेथड, ठीक है। तो इसके क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे हम लोग इसको करते हैं, इसको वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट स्टेप इज सेट अप द थर्डोलाइट एट ए, थर्डोलाइट को ए पे हम लोग सेट करेंगे एंड लेवल इट एक्यूरेटली, इसको अच्छे से लेवल करेंगे। लेवल करने का मतलब सिंपली टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, अपने इंस्ट्रूमेंट को रेडी करेंगे रीडिंग्स लेने के लिए, ठीक है। बाइसेक्ट द पॉइंट बी करेक्टली, उसके बाद पॉइंट बी को करेक्टली बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। इस्टेब्लिश अ पॉइंट सी इन द लाइन बियॉन्ड बी अप्रॉक्सिमेटली बाय लुकिंग ओवर द टॉप ऑफ द टेलीस्कोप एंड एक्यूरेटली बाय साइटिंग थ्रू द टेलीस्कोप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट हमको मिल गया, हम क्या करेंगे, सी पॉइंट इस्टेब्लिश करेंगे कैसे, बाय लुकिंग ओवर द टॉप ऑफ द टेलीस्कोप, टॉप ऑफ द टेलीस्कोप के ऊपर से देखेंगे और थ्रू द टेलीस्कोप भी देखेंगे, टेलीस्कोप के साथ भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करेंगे बी पे, ठीक है। ए से अब हम लोग कहाँ आ गए, बी पे। शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट टू बी एंड टेक अ फोरसाइट ऑन सी, इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बी पे ले गए और एक फोरसाइट रीडिंग लिया सी पे। और उसके बाद सिमिलरली जो हमारा प्रोसेस था फर्स्ट पोजीशन में, वही चीज हम फिर से करेंगे, एक पॉइंट डी हम लोग करेंगे, ठीक है। डी एक पॉइंट इस्टेब्लिश करेंगे बियॉन्ड लाइन सी, ठीक है। अब इसी तरीके से हम वन बाय वन सारे प्रोसेस को करते जाएंगे जब तक कि हमारा लास्ट पॉइंट न मिल जाए या लास्ट डिस्टेंस न मिल जाए जितने की हम लोग को लाइन करनी थी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते थे, थर्ड लाइट को ए पे ले गए, उसको अच्छे से लेवल किया रीडिंग लेने के लिए तैयार किया। फिर हम लोग बाइसेक्ट करेंगे, मतलब एक बी पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में देखें और एक सी पॉइंट क्या करेंगे, मार्क करेंगे, ठीक है। वो जितने भी डिस्टेंस का होगा, वो डिस्टेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने का डिस्टेंस आप लोग ले रहे हैं, ठीक है। मार्क करेंगे उसको, टेलीस्कोप से देखेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं है, ठीक है। अब हम इंस्ट्रूमेंट को सी पॉइंट बी पॉइंट पे ले जाएंगे, बी से हम लोग सी पे एक फोर साइट लेंगे, फोर साइट लेने के बाद एक पॉइंट
जैसे सी इस्टेब्लिश किए थे उसी तरह डी इस्टेब्लिश करेंगे। सिमिलरली ये प्रोसेस हम लोग रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हमको अपना लास्ट पॉइंट न मिल जाए। ये हम लोग बेसिकली कुछ डिस्टेंस एक्सटेंशन करते हैं कि अगर हम लोग सर्वेइंग कर रहे हैं और हम लोग को कुछ एरर आ गया लास्ट में, तो जो छोटे एरर्स होते हैं उनको एक्सटेंशन की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया एक्सटेंशन ऑफ ए लाइन विद द हेल्प ऑफ फोर साइट मेथड, मतलब फोर साइट या फोर साइट मेथड की हेल्प से हम लोग कैसे एक्सटेंशन करते हैं। सिमिलरली उसी तरह आता है आपका बैक साइट मेथड, ठीक है। तो बैक साइड मेथड में कैसे हम लोग करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सेटअप ए इंस्ट्रूमेंट एट बी, सेटअप ए इंस्ट्रूमेंट एट बी एंड लेवल इट एक्यूरेटली। हम लोग क्या करेंगे, इसमें बी पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे और उसकी लेवलिंग अच्छे से या फिर उसकी टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है। उसके सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, टेक ए बैक साइट ऑन ए, ए पे हम लोग क्या करेंगे एक बैक साइड रीडिंग नोट करेंगे, ठीक है। सी थर्ड इज टाइटन द अपर क्लैंप एंड लोअर क्लैंप, ठीक है। अब अपर और लोअर क्लैंप को हम लोग क्या करेंगे, टाइट करेंगे, ठीक है। अपर और लोअर क्लैंप को हम लोग क्या करेंगे, टाइट कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांजिट द टेलीस्कोप एंड एस्टेब्लिश अ पॉइंट सी इन द लाइन बियॉन्ड बी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अपर और लोअर क्लैंप को टाइट करने के बाद उसको ट्रांजिट करेंगे, मतलब उस रीडिंग लेने के बाद उसको बी के डायरेक्शन में फिर से रोटेट करके एक पॉइंट बनाएंगे सी पॉइंट, ठीक है। बियॉन्ड द बी एक पॉइंट बनाएंगे सी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट द थियोडोलाइट टू सी। अब हम क्या करेंगे, थियोडोलाइट को सी पॉइंट पे ले जाएंगे और बी की बैक साइड रीडिंग लेंगे, ठीक है। एंड बैक साइड ऑन बी, ठीक है, बैक साइड बी की रीडिंग लेंगे, फिर उसको हम लोग ट्रांजिट करेंगे और सिमिलरली इसी तरह एक पॉइंट डी बनाएंगे जो सी के आगे होगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग ये प्रोसेस करते जाएंगे जब तक कि हमको लास्ट पॉइंट ना मिल जाए, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या हुआ कि इफ द इंस्ट्रूमेंट इज इन एडजस्टमेंट द पॉइंट ए बी सी डी इन वन लाइन, ठीक है। अगर वो सारे एडजस्टमेंट या हमारे प्रोसेस सही रहा तो हमारा जो ए बी सी डी से लेके जेड पॉइंट था वो एक लाइन में होगा, विच इज स्ट्रेट, ठीक है। वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होगा अगर, विच इज स्ट्रेट, बट इफ इट इज नॉट इन एडजस्टमेंट, अगर वो एडजस्ट सही से नहीं हुआ है या हमारे रीडिंग लेने में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो क्या होगा, दैट इज लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन मतलब जो रीडिंग हम लोग ले रहे थे वो क्या था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं था, तो जो हमारा पॉइंट मिलेगा सी डी जेड वो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा, वो क्या होगा, थोड़ा बहुत उसमें क्या होगा, एरर्स आएंगे, उसी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी रीडिंग्स लेंगे वो क्या लेंगे, अच्छे से लेंगे जिससे कि एरर आने के चांसेस ना हो, ठीक है। तो कैसे एक्सटेंशन करते हैं बैक साइड और फोर साइड मेथड से, ये हम लोगों ने देख लिया, ओके। ठीक है, तो प्रोलॉन्गिंग स्ट्रेट लाइन, ये फोर साइड मेथड और बैक साइड मेथड हम लोगों ने देख लिया। एक और हमारा मेथड है, ठीक है, एक और हमारा प्रोलॉन्गिंग का मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल रिवर्सिंग मेथड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डबल रिवर्सिंग मेथड, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे करते हैं, इसकी हम लोग प्रोसीजर वन बाय वन या इसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो डबल रिवर्सिंग मेथड, व्हेन द लाइन इज टू बी प्रोलॉन्ग्ड विद हाई प्रिसीजन और व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज इन इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट द प्रोसेस ऑफ डबल साइटिंग और डबल रिवर्सिंग इज यूज्ड, ठीक है। जब हमारा लाइन जिसको हम लोग को एक्सटेंड करना है उसको बहुत ही एक्यूरेट करना हो या फिर जो हमारी इक्विपमेंट हो या जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हो वो क्या हो, अच्छे से एडजस्ट ना हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, उसमें कुछ ना कुछ क्या हो, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो, तो उस केस में हम लोग जो प्रोलॉन्गिंग करते हैं या जो एक्सटेंशन करते हैं वो डबल साइटिंग या डबल रिवर्सिंग की हेल्प से करते हैं। वो किस मेथड से करेंगे, डबल साइटिंग या डबल रिवर्सिंग मेथड की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो सपोज अ लाइन ए बी इज टू प्रोलॉन्ग टू जेड, ठीक है, एक कोई ए बी लाइन थी, इसको हम लोग को कहाँ तक प्रोलॉन्ग करना है या कहाँ तक एक्सटेंड करना है,
जेड पॉइंट तक एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे उसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग डबल रिवर्सिंग मेथड का प्रोसीजर हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज, जो पहला स्टेप है वो क्या है, सेटअप द थेरोलाइट एट बी एंड लेवल इट एक्यूरेटली। हम लोग क्या करेंगे, थेरोलाइट को बी पे सेट करेंगे और उसकी लेवलिंग अच्छे से करेंगे। लेवल इट एक्यूरेटली का मतलब हुआ उसका टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट करेंगे। टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट क्या होता है ये मैंने कई बार बता चुका है, एक बार और रिपीट करता हूँ। सेटिंग अप, सेंटरिंग, लेवलिंग, पैरालैक्स एलिमिनेशन, ये चार प्रोसेस का मतलब हुआ लेवल इट एक्यूरेटली, ठीक है। हम लोगों ने सेट कर लिया थर्डोलाइट बी पे, बी पॉइंट पे, फिगर में आप लोग को बी पॉइंट दिख रहा होगा, बी पॉइंट पे हम लोगों ने थर्डोलाइट को सेट किया और उसको रीडिंग लेने के लिए तैयार कर लिया, इन द सेंस लेवलिंग कर लिया या फिर टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बी, विद द फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट लेफ्ट, लेफ्ट फेस से, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट का फेस है वो लेफ्ट है, बैक साइड ऑन ए एंड क्लैंप बोथ द अपर एंड लोअर मोशन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को फेस लेफ्ट में सेट करेंगे और वहां से बैक साइड रीडिंग लेंगे ए पे, ए की पॉइंट की रीडिंग लेंगे और रीडिंग लेने के बाद हम लोग दोनों क्लैंप को, जो अपर और लोअर क्लैंप है उसको क्या करेंगे, टाइटन कर देंगे, मतलब उसको फिक्स कर देंगे, ठीक है, फिक्स हो गया। नेक्स्ट, ट्रांजिट द टेलीस्कोप एंड सेट अस पॉइंट सी वन अहेड इन लाइन, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांजिट करेंगे टेलीस्कोप को और एक सी वन पॉइंट बनाएंगे उस पर्टिकुलर लाइन के आसपास, ठीक है। उस पर्टिकुलर लाइन के आसपास हम लोग क्या करेंगे, एक सी वन लाइन, सी वन पॉइंट बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लूजन द अपर क्लैंप, लूजन द लोअर क्लैंप, रिवॉल्व द टेलीस्कोप इन द हॉरिजेंटल प्लेन एंड बैक साइड ऑन ए। अब क्या करेंगे, लोअर क्लैंप को लूज करेंगे, लोअर क्लैंप को क्या करेंगे, लूज करेंगे और टेलीस्कोप को रिवॉल्व करेंगे हॉरिजेंटल प्लेन में, हॉरिजेंटल प्लेन में टेलीस्कोप को घुमाएंगे और फिर से हम लोग ए की रीडिंग लेंगे, ठीक है। बाइसेक्ट ए, बाइसेक्ट ए एग्जैक्टली यूजिंग लोअर क्लैंप, लोअर क्लैंप की हेल्प से हम लोग, लोअर क्लैंप और उसकी टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से हम लोग ए को बाइसेक्ट करेंगे, ए को एग्जैक्टली बाइसेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ फेस द इंस्ट्रूमेंट इज राइट, ठीक है। उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट का फेस होगा वो राइट होगा, ठीक है। तो एक बार लेफ्ट से सी वन बनाया, फिर हम लोग ए पे गए, ए से फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट का फेस चेंज किया, उसको राइट बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर उसको हम लोग घुमाएंगे राइट के साइड, ट्रांजिट द टेलीस्कोप एंड एस्टेब्लिश अ पॉइंट सी टू इन लाइन बिसाइड द सी वन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेलीस्कोप को फिर रोटेट करेंगे और एस्टेब्लिश करेंगे एक सी टू पॉइंट सी वन के ही अपोजिट डायरेक्शन में, अब C1 के अपोजिट डायरेक्शन में एक C2 पॉइंट हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, B पॉइंट पे गए, B पॉइंट पे अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, B से हम लोग A को बैक साइड किए, फिर यहाँ पे दोनों क्लैंप को फिक्स किया, फिर लोअर क्लैंप को लूज करके हम लोगों ने क्या किया, रोटेट किया और फिर हम लोग A को देखे, फिर B से C1 एक डिस्टेंस बनाया, फिर सिमिलरली फिर हम लोग बैक साइड लिए, फिर हम लोग फिक्स किया और फेस राइट से हम लोग C2 पॉइंट बनाए। तो हमको क्या क्या मिल गया, एक C1 पॉइंट मिल गया और एक C2 पॉइंट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ, द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द टू पॉइंट C मस्ट बी मिडवे बिटवीन C1 एंड C2। अब C1 और C2 पॉइंट का जो मिड पोजीशन होगा वो क्या शो करेगा, सी पॉइंट शो करेगा, वो क्या शो करेगा, सी पॉइंट, मतलब सी वन और सी टू के जो मिड पोजीशन होगा उसको शो करने के लिए हम वो जो पॉइंट मिलेगा या सी वन सी टू का जो मिड पोजीशन होगा वो क्या डिनोट करेगा, सी पॉइंट, ठीक है।
मेजर, नेक्स्ट स्टेप मेजर सी वन सी टू एंड एस्टेब्लिश ए पॉइंट सी एग्जैक्टली मिडवे विच लाइज ऑन द ट्रू प्रोलोंगेशन ऑफ ए बी। ठीक है, हम क्या करेंगे, सी वन सी टू को मेजर करेंगे और उसके हाफ पे एक पॉइंट एस्टेब्लिश करेंगे सी, जो एग्जैक्टली ए बी लाइन के अलोंग होगा, ए बी लाइन के प्रोलोंगेशन को शो करेगा। ठीक है, वो क्या होगा, ट्रू लाइन होगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट टू सी, हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सी पे ले गए, डबल साइट ऑन बी एस्टेब्लिश द पॉइंट डी वन एंड डी टू। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सी वन सी टू बनाया, सिमिलरली उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सी पे लाएंगे और डी वन डी टू बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर डी वन डी टू मेजर करेंगे, उसके मिड पॉइंट पे आएंगे, जो मिड पॉइंट होगा वो क्या बताएगा, पॉइंट डी को शो करेगा। ठीक है, एंड लोकेट द ट्रू पॉइंट डी एज बिफोर, जैसे सी हमको मिला उसी तरह हमको डी मिल जाएगा। कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल द लास्ट पॉइंट जेड इज एस्टेब्लिश, हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमको जेड पॉइंट ना मिल जाएगा। तो एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं डबल रिवर्सिंग मेथड का। सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रूमेंट बी पे सेट किए, दो पॉइंट्स था हमको ए और बी। ठीक है, बी पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट ले गए, इंस्ट्रूमेंट ले जाने के बाद उसकी लेवलिंग कर ली अच्छे से। बी से हम लोग क्या किए, बैक साइड रीडिंग लिए ए की, ए की रीडिंग लेने के बाद दोनों को हम लोगों ने क्लैंप कर दिया, दोनों अपर और लोअर क्लैंप को अच्छे से फिक्स कर दिया, फिर रोटेट किया, सी वन रीडिंग मिली, फिर हम लोग ए की रीडिंग लिए डबल बैक साइड से, फिर हम लोग सी टू बनाए, सी टू पॉइंट रोटेट किया, सी टू मिला, फिर सी वन और सी टू को मेजर किया, उसका हाफ डिस्टेंस जो होगा वो सी पॉइंट बनाएगा। सिमिलरली हम लोग सी पे आए, फिर हम लोगों ने डी वन और डी टू बनाया। ठीक है, सी पे आने पे हम लोग जो बैक साइड लेंगे वो किस पोजीशन पे लेंगे, बी पोजीशन पे लेंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने डी वन और डी टू बनाया, डी वन डी टू को मेजर किया, जो उसका हाफ पॉइंट होगा वो क्या शो करेगा, डी पॉइंट शो करेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे प्रोसीजर्स करते जाएंगे जब तक कि हमको लास्ट पॉइंट नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे तीन मेथड्स थे किसके, प्रोलोंगेशन या फिर एक्सटेंशन के, किसी एक लाइन के एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, कौन कौन से थे, फोरसाइट, बैकसाइट और डबल रिवर्सिंग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, थर्डोलाइट ट्रैवर्सिंग। ठीक है, थर्डोलाइट ट्रैवर्सिंग क्या होता है, तो अ ट्रैवर्स इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस whose length and direction are measured in the field। ठीक है, एक ट्रैवर्स क्या होगा, कनेक्टेड लाइंस होती है जिसकी लेंथ और डायरेक्शन को हम लोग मेजर करते हैं फील्ड में। ठीक है, द सिस्टम ऑफ सर्वेइंग इन विच द एंगल आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्डोलाइट इज कॉल्ड थर्डोलाइट सर्वेइंग। ठीक है, वो सिस्टम जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, थर्डोलाइट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एंगल मेजर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थर्डोलाइट सर्वेइंग बोलते हैं। ठीक है, दो मेथड होता है ट्रैवर्सिंग का, एक होता है ट्रैवर्सिंग बाय इंक्लूडेड एंगल और एक होता है ट्रैवर्सिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, ट्रैवर्सिंग जो हम कर रहे हैं वो इंक्लूडेड एंगल की हेल्प से कर रहे हैं और एक डिफ्लेक्शन एंगल की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला है वो क्या है, ट्रैवर्सिंग बाय इंक्लूडेड एंगल मेथड, इंक्लूडेड एंगल मेथड की हेल्प से कैसे हम लोग ट्रैवर्सिंग करते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड इज मोर एक्यूरेट देन फास्ट नीडल मेथड, फास्ट नीडल मेथड से मोर एक्यूरेट होता है। ट्रैवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ठीक है, हम लोग बेसिकली इसी को यूज करते हैं। इन दिस मेथड द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ एनी वन लाइन इज मेजर्ड इन द फील्ड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर किसी लाइन की मेजरमेंट बियरिंग को मेजर करते हैं और उसके बाद उन सारे बेयरिंग को मेजर करने के बाद हम लोग इंक्लूडेड एंगल उस पर्टिकुलर लाइन की फॉलो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल की हेल्प से हम लोग ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं, तो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर ओपन ट्रैवर्स एंड इज मोस्टली एम्प्लॉयड इन द सर्वे ऑफ रिवर कोस्ट लाइन रोड रेलवेज एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या होता है, ओपन ट्रैवर्स के लिए बेसिकली यूज होता है और ये रेल रोडवेज या कोस्ट लाइन के सर्वे में यूज होता है। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल आपका क्या होता है, क्लोज ट्रैवर्स के लिए यूज होता है और डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, आपका ओपन ट्रैवर्स के लिए यूज होता है। ठीक है,
ये इतनी चीजें हमारी थी थेडोलाइट सर्वेइंग में, ठीक है, ये इतनी हमारे स्टेप्स थे थेडोलाइट सर्वेइंग में, ठीक है। तो एक बार थेडोलाइट सर्वे को हम लोग फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले कि थेडोलाइट क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट, फिर थेडोलाइट सर्वेइंग क्या कहलाती, फिर क्लासिफिकेशन कैसे था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ट्रांजिट नॉन ट्रांजिट बेस ऑन एंगल वर्नियर, माइक्रोमीटर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। फिर हम लोगों ने साइज कैसे डिनोट करते हैं इसके बारे में पढ़ लिया, यूज क्या होता है ये पढ़ लिया, कंपोनेंट्स पढ़ लिए हम लोगों ने, उसके यूजेस पढ़ लिए क्या कैसे होता है, फिर टर्म्स क्या क्या यूज होते हैं ट्रांजिट वर्नियर थर्डोलाइट में, जैसे सेंटरिंग हो गया, ट्रांजिटिंग हो गया, स्विंगिंग हो गया, फेस लेफ्ट फेस राइट हो गया, चेंजिंग फेस, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस। फिर हम लोगों ने एक्सिस के बारे में पढ़ लिया था कि कौन कौन से एक्सिस हमारे होते हैं थेडोलाइट में, टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, फिर हॉरिजॉन्टल एंगल का मेजरमेंट कैसे हम लोग करते हैं इसको भी पढ़ लिया, तीन मेथड्स होते हैं जनरल, रिपीटेशन, रिट्रीशन, इनको वन बाय वन हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर आज का लेक्चर था जो हमारा वर्टिकल एंगल्स पे, ठीक है। तो ये इतनी चीजें हैं बेसिकली जो हमारे थेडोलाइट सर्वेइंग में थी, ठीक है। और भी कुछ एक्स्ट्रा होता है तो उसको मैं देखता हूँ, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके, ठीक है। तो ये इतनी चीजें थी आपके थेडोलाइट सर्वेइंग में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ट्रायंगुलेशन सर्वे, ओके।